न्यूलीवेड्स कपल वत्सल सेठ और इशिता दत्ता हनीमून पर रवाना हो गए हैं। दोनों सिंगापुर में हनीमून एंजॉय करेंगे। बता दें कि वत्सल सेठ ने फिल्म टार्जन द बंडर कार में अजय देवगन के बेटे का किरदार निभाया था। वहीं इशिता ने फिल्म दृश्यम में अजय देवगन की बेटी का रोल प्ले किया था। 2016 में टीवी शो रिश्तों का सौदागर बाजीगर की शूटिंग के दौरान वत्सल और इशिता एक दूसरे के करीब आए थे। इसी शो से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। हालांकि दोनों ने अपने अफेयर की भनक तक किसी को नहीं लगने दी। बता दें कि वत्सल और इशिता ने 28 नवंबर को गुपचुप शादी की थी। मुंबई के जुहू स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मंदिर में कपल ने शादी की थी। शादी में सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल और बच्चों के साथ पहुंचे थे। इसके अलावा तनुजा, तनिषा मुखर्जी, बॉबी देओल भी शादी में शामिल हुए थे।